हमारे गांव में ये जो चेल बेटा सब पुनुना यहाँ भेट घाट करने थे आज जो सब आ रहे ना हमारे ये मीनू आ रही हो मीनू देखा भेट घाट करने तो सब आ रहे हैं देखो यो ये चोल एक चेल चाहिए थी फिर थोड़ा घर चाहिए स्वराज मैं अच्छा एक हमारे यहाँ सब भेट घाट करने आ रहे हैं अभी मम्मी बना रही है ब्लॉग लड़की मेरी वैसे आ रही है वहां से देख तो दिख रहे क्लियर आ रहे हैं सब दिख रहे हैं हेलो दगड़ियों तो दगड़ियों अभी मम्मी ने ब्लॉग की शुरुआत कर रखी है एक्चुअली मैं बता देती हूँ इंट्रोडक्शन करा देती हूँ ओले ओले देखो तो गड़े बच्चे कैसे परेशान करते हैं तभी मैं शादी नहीं कर रही हूँ मेरा कहना ही है तो दगड़ियों मीट मीनू ये मेरी बचपन की सहेली है दगड़ियों इसी कमरे में हमारा पूरा बचपन बीता है दगड़ियों और दगड़ियों आज के दिन देखो दो बच्चे लेके आज के दिन देखो दगड़ियों इसके बच्चों का बचपन मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे अभी मेरी भी शादी हुई होती तो क्या पता यहाँ खेल रहे होते पर मेरे मम्मी पापा मेरी शादी ही नहीं करा है मीनू कुछ बोलना हेलो हेलो ही बोल दे हेलो हाँ क्या कहते हैं पुरानी दोस्त आई है ये है मीनू की बेटी और वो रहा बेटा ये बेटा मोबाइल में मस्त है क्या नाम है इसका यूवी इधर देख तो इधर हेलो बोल तो ऐसे हेलो बोलो हाँ और दगड़ियों इसको मेरी गोद में ले मीनू एक बार ये है गुनगुन मीनू की बेटी तो और ये इतनी अच्छी है दगड़ियों ये ना बिल्कुल रो भी नहीं रही है और इतने अच्छे से मेरे पास आ जा रही है और यहाँ पे दगड़ियों आप देख सकते हैं सब लोग गांव के मिलने के लिए आ रखे हैं मीनू से वो कहाँ गई हाँ देखो क्योंकि यहाँ पे हमारी इज्जा भी पहुँच चुकी है छोटी अम्मा नहीं आ रही इज्जा छोटी अम्मा अच्छा छोटी एक बार फिर से एक बार अच्छे से उस समय तो गुनगुन बैठी थी तो ये मेरी बचपन की सहेली है दगड़ियों मतलब बचपन होता है ना बचपन जैसे आप लोग चंदू का आप लोग जानते हो ठीक हो चंदू से तो मैं नाइन्थ से हमारी मुलाकात हुई थी बट ये तो एकदम जो बचपन पैदा होते ही यही बड़े खेले कूदे घर भी हमारा साथी हुआ घर भी साथी हुआ बस मतलब स्कूल से आई नहीं मैं तो मीनू के घर जाने वाला ऐसा वाला हिसाब था हमारा तो मतलब बहुत ही याराना हुआ रोना भी आ रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा मेरे को तो रोना आ ही जाता है अपने दोस्तों मेरे शादी तक तो मेरे कोई दोस्त ही नहीं बच रहे हैं यहाँ मैं क्या करूँ आएंगे फिर बुला लिया आपसे लगानी है दोस्ती गुनगुन जय करो तो एक बार हाँ ये हाँ डांस कर दो एक बार डांस करके दिखा दो हाँ ये भी बोल से गाना गा नानी कौन सा गाना गा दिया नानी का गाना सुनो तो गा तो गा फिर मम्मी नाच करो लो नाच कर यो सुकोल जाता ताई यो गीत गा पण वाली उसे गान दी नाच करो लो डांस करो लो नाच ले कले ध्यान आ गयो बाबा दर दो आई 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 इधर देखो तो एकले ब्याह चला ना ताली बजा रहा हूँ अभी ताली बजा रही हूँ जीते रहना इतनी बड़ी लंबी हो जाना जय जी रह रही है इतना बड़ा खेले कितना बड़ा इतना बड़ा हाँ इतना बड़ा दांत आ जाने पापा को आवाज लगा दे पापा को आवाज लगा दे पापा आ गई हो कहाँ है पापा पापा बोल चामरे
अगर दिखते तो क्या पता बोल देती अंगूठी अंगूठी वीडियो बना रही है आपकी। मैं वीडियो दादी कहाँ है दादा दादी बब्बर किद है ये कुट था इसमें मार दी दगड़ी है इसने बचपन में नाक फोड़ के चैन नहीं मिला अब बड़ी शॉट मार रही है जब मेरे नाक में मारी है मैं कर रहा हूँ विकेट कीपिंग इसने बैट घुमाया ये देखो जैसे बैट के साथ अपना ही नहीं घूम रही है मैं पीछे हुआ बॉल पकड़ने के लिए बैट बैट के साथ अपना ही घूम गई है मेरे नाक में मार दी है वहाँ खेल दिया बॉल हो गया अरे गजब पूरा वहाँ खेल दिया वो बाउंड्री के बाहर गैद गैद सीमा रेखा के बाहर उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे हम एसपीएल प्रीमियर लीग में उन्होंने हमारा समर्थन किया अब मैं कराती हूं बॉलिंग दगड़े बैटिंग आपने मेरी देख दी अब मैं आपको अपनी बॉलिंग दिखाती हूं ओए ओए इस टाइम पे बॉल इसके आसपास भी नहीं जाने वाली है चलो अब मैं बॉलिंग कराती हूं दगड़े मेरी बॉलिंग देख मेरा बचपन से सपना था दगड़े मैं ऐसे हाथ घुमा के ऐसे बॉलिंग करूं अपना जो नहीं घूमती है तू घटियारी हुई हो घटियारी थूक लगा के रगड़ते हूँ बॉल को थोड़ा अल्लाह हने ही कब कब किधर है बैट वाला यार कैसे करते हो तुम लोग यूं आउट होते होते बच्चे तगड़ियों अभी मान सोचा ऐसे मत हो यार ये बच गया हाँ मरीना हो बलतेर बॉल आउच ले खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मिड स्टंप पे क्या होता है आउट 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 दखा आउट पीछे से लक्के आई है वैसे लक्के गई इस टाइम में लक्के गई वो रिकॉर्ड है दिखो ओह ले आपको अच्छी क्रिकेटर गधेरा नेवर टेक योर अपोनेंट इन हल्का ओहो हरा दिया